कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। अरे उनके बायकॉट और ना बायकॉट से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आवाम ने जो एतमाद दिया था रिप्रेजेंट करने का, वो लोगों की इस एतमाद से धोखा कर। मसलन डिलिमिटेशन कमीशन का बड़ा अहम रोल होता है असेंबलीज को नए सिरे से रिकॉन्स्टिट्यूट करने में, इनका उसमें नॉमिनेट होना, बिकॉज वही तो एमपीज हैं, यहां बीजेपी है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज थे। बीजेपी वाला अपना रोल निभा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना रोल नहीं निभा रहे हैं। इससे उन लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी, उनके इंटरेस्ट्स को ठेस पहुंचेगी जिनका वो रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो डिलिमिटेशन का फैसला उसमें गलत भी हो सकता है, क्योंकि कश्मीर की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और एक तरफ से वो पार्लियामेंट मेंबर बनके जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, उन पर लाजिम ये बनता था दे शुड हैव रिजाइन फ्रॉम द पार्लियामेंट, ताकि नए लोग आ जाते, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सही तौर पर तर्जमानी करते। अगर आपको ऑफर आ जाएगा, आप डिलिमिटेशन प्रोसेस के मेंबर बन जाएंगे, तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? अगर हमें कहीं पे भी कोई चांस मिलता है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी करेंगे। हम चाहे हमें कोई बुलाए न बुलाए, चाहे हम जम्मू कश्मीर के लोगों का केस रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी जमात ही अपनी पार्टी एक ऐसी जमात है जो पूरी तरह से इसको स्टडी कर रही है और अपना व्यू पॉइंट किसी भी तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।